बताना चाहेंगे आज आप क्या किए हैं, किस स्टूडियो में हैं? अभी हम ऑरेंज सिनेमेटिक्स स्टूडियो में हैं, और सबसे पहले तो हम आनंद मोहन सब लोगों को प्रणाम करते हैं, और ये सौभाग्य है हमारा कि आज फिर रूबरू होने का मौका मिला, क्योंकि फिर पर्दे पे ही हम लोग होते हैं और आमने सामने बात नहीं कर पाते, लेकिन ये सौभाग्य होता है। हमारे पटियाला जी हैं, श्री राम जी हैं, सब लोग हैं, तो ये श्री राम जी भी हैं, हाँ भाई, तो ये सौभाग्य है। तो हम आज डबिंग कर रहे हैं, एक फिल्म हमारी बनी थी रेणुकोट में, सोनभद्र ज़िले में, तो फिल्म का नाम ससुरा धोखेबाज। ये टाइटल से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये किस टाइप की फिल्म है, लेकिन फिल्म आप जो समझेंगे उससे परे है, और फिल्म बड़ी अच्छी बनी है। मैं ये बता दूं कि ससुरा धोखेबाज जो है उसके डायरेक्टर जो हैं कुमार विजय जी, हमारे बगल में विजय जी खड़े हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया भी है और कराया भी है, और हम लोग सोनभद्र के लोकेशंस पे शूट किए, बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा। क्या किरदार है इसमें आपका? मेरा किरदार तो कॉमेडी का ही है, मैं तो एज ए कॉमेडियन ही। मैं ना ससुर हूँ, ना दामाद हूँ, और ना ही हीरो हूँ, बस नहीं नहीं मैं अपने औकात में हूँ उसमें, अपने औकात में बस ठगता चलता। धोखेबाज इसलिए बोलते हैं कि उनका मामला पूरा नहीं हो पाता है, मेरे पास कट टू कट मामला होता है ना, तो वो है। तो हीरोइनों से तो मैं खुद बहुत नज़दीक नहीं हूँ ना, लीजिए व्यवहारिकता हमारी अच्छी है उनसे। ये सिनेमा विजय जी वही सब चीज़ों के लिए बनाए हैं कि ससुरा धोखेबाज? नहीं नहीं वो तो विजय जी बताएंगे। हाँ तो फिर तो इसके पार्ट टू हम लोग बनाएंगे ना, उसमें हम हीरो होंगे ना। एक फिल्म और आपकी आई थी ससुरा का वो दामाद रहा। हाँ ससुरों का दामाद, उसमें मैं ससुर था। हाँ उसमें उसकी याद इधर ताज़ा कर रहे हैं कि दामाद ना बनने का, बचने का। दोनों दो चीज़ें, मतलब वो अलग था और ये अलग है, सबका सब्जेक्ट अलग है, लेकिन ये जो है ना, इसमें हम कहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा बुलंद किया गया है इस फिल्म में, और बहुत बेहतरीन फिल्म है वो, तो लोग देखेंगे तो खुद पता चलेगा। अच्छा इस फिल्म से हमारे डायरेक्टर को बहुत इंडस्ट्री में स्कोप मिला है, तो कहेंगे विजय जी के बारे में? मैं विजय जी के बारे में यही बताऊँगा बोलूँगा कि ये तो खुद जानते ही हैं, बहुत पुराने हैं हमारे इंडस्ट्री में, बहुत पुराने हैं, ये कह लीजिए कि हिंदी में पुराने हैं, हमारे प्रकाश मेहरा साहब से लेकर, और काफ़ी दिनों से ये हिंदी में हैं, लेकिन ये हमारे भोजपुरी का सौभाग्य भी है कि भोजपुरी में इनकी ये दूसरी फिल्म है। इसके पहले विजय जी ने एक फिल्म बनाई थी जय माँ थावे वाली, तो वो भी फिल्म इन्होंने बनाई थी और वो भी बहुत बढ़िया था। इनका अच्छाई क्या है, मैं अच्छाई कहूँ तो इनकी अच्छाई यही है कि ये फिल्म बनाते हैं तो जब बनाते हैं तो बनाते हैं, उस वक्त ये नहीं देखते कि मुझे कितना रिकवरी होगा, क्या होगा नहीं होगा, उससे मतलब नहीं है, हम कितना बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी दे दें और सब्जेक्ट को कितने अच्छे से लोगों के सामने प्रस्तुत कर दें, इनकी खूबी ये है, तो ये अच्छा भी है। जी वंदनी मिश्रा जी थी, नहीं हमारी जोड़ी नहीं थी उनके साथ, वो तो हीरोइन की माँ के रोल में थी। हमारे डायरेक्टर कास्ट करते हैं तो कोई 70 साल या कोई क्यों कास्ट करना चाहते हैं? इसलिए कि वो अब मैचिंग तो सब जगह जरूरी है ना, अब बताइए हमारे सामने अगर बहुत कम उम्र के लोगों को ला दें तो फिर तो वो दूसरा वाला हो जाएगा ना। वह मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, आप जो कहेंगे वहाँ दुकान पर चल के डिसाइड होगा। लड्डू खिलाएंगे शादी वाला? लड्डू शादी वाला नहीं खिलाएंगे, शादी वाला तो बहुत दिन पहले हो गया है। शादी तो एक शादी होगा किनारे। जी जी यही कहूँगा कि रीना फिल्म हाउस जो बैनर है, हमारे निर्मात्री रीना सिंह जी और लाल चरण उपाध्याय जी, नागवेंद्र सिंह जी और राजेश शुक्ला जी, इन लोग के ही देन से आज हम ये फिल्म बना पाए, आशीर्वाद से और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। बस एक कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा बनाने की।
हीरो हीरोइन नए हैं, हीरोइन है रिमझिम और हीरो हैं बबलू करण, अतुल श्रीवास्तव। आनंद बाबा बोला कि आप कभी रिकवरी का चिंता नहीं करते, नया लेवल परेशानी नहीं होती आपको बनाने में? नहीं, मैं रिकवरी नहीं, मैं फिल्म बना रहा हूँ। फिल्म? हाँ, ये चीज़। मैं फिल्म बना रहा हूँ और उसमें अगर फिल्म अगर बढ़िया बनेगी, लोगों को पसंद आएगी, तो रिकवरी अपने आप हो जाएगी। क्या है ना, ये मैंने क्या कहा कि 5 स्टार में उस शूटिंग में मैं 5 स्टार होटल में था, ये कोई नहीं देखेगा कि मैं झोंपड़ी में था। अगर 5 स्टार में भी रह के और क्वालिटी ख़राब हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, और अगर झोंपड़ी में भी रह के और फिल्म बहुत अच्छी बन जाए ये बहुत अच्छी बात है। तो मेकिंग सबसे पहले वो है। आपने कोई कुछ गाने भी फिल्माए गए इस फिल्म में? गाने नहीं है शायद। नहीं, गाने नहीं है सब इसमें। नहीं है जोड़ी में कोई है? है? क्या कोई है आपकी जोड़ी में? नहीं, हमारे जोड़ी में एक दो जेंट्स ही है, अमित अच्छा लड़का है। हाँ। और इनकी वाइफ है जो रोल की हैं वहीं की हैं। हाँ। जया मौर्य जी। हाँ। जो काफ़ी शूट कर रही हैं, इनके अच्छी महिला है। वाइफ के बारे में? वाइफ को छुपा रहे थे कि मतलब वैसा कुछ जो आप लोग ये करते हैं ना और फिल्मों में देखते हैं ना, तो वैसा कुछ नहीं है, ये सबसे अलग हटके है। ये जो सिनेमा जो बना है कब तक रिलीज होगी और अभी डबिंग चल रही है? जी अभी ये डबिंग चल रही है, अभी इसमें 1.5 महीना और लग जाएगा, मान के चलिए सेंसर होने के बाद ही अब बताया जा सकता है कि कब रिलीज करेंगे। अक्टूबर नवंबर तो जाएगी। हाँ, अक्टूबर नवंबर पे। अक्टूबर में पूरा कहानी है, कुछ कॉमेडी एक्शन रोमांस सब मिला जुला है? कॉमेडी है, रोमांस है, और मेन है लड़की पे, एक अनाथ लड़की है, उसको मंदिर से कोई छोड़ गया है रात को, और वो कैरेक्टर है वो लेके आता है घर पे, उसकी औरत बोलती है कि उसको मंदिर में ले जाके वापस छोड़ आओ, वो बोलता है नहीं, लड़की लक्ष्मी का रूप होती है, मैं पालूंगा, तुमको नहीं पालना है, तो वो पालता है, बच्ची बड़ी होती है और उसको ये लोग मतलब जबरदस्ती ये जो औरत है टॉर्चर करती है, इसको जल्दी हटाओ। फिर वो एक ऐसे घर में शादी करते हैं जो उससे उम्र में बड़ा होता है लड़का, और बाद में बस लड़की पे ही है। जानकारी मिली थी कुछ भूत वगैरह सही में आ गया था, सही में भूत होते हैं? हाँ, होते हैं, मैं माना उस दिन होते हैं। क्या कुछ चल रहा था, बताएंगे? गाने का साल के पास गांव से हम लोग दूर थे, रात का समय था और 12 बजे ठंडी का दिन था, 12 बजे सब गांव वाले चले गए, और ठीक 12:30 बजे मैं कैमरामैन को कुछ और बोल रहा हूँ, वो कुछ और कर रहा है, और हीरोइन ऐसा लग रहा है कि 2 बोतल दारू पी चुकी है, ऐसे उसकी हरकत हो रही है, और मतलब सारा डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है। बाद में जब मैंने उनका ध्यान बढ़ाने के लिए बोला कि एक काम करो, ज़रा हीरोइन के साथ मेरी फ़ोटो निकालो, हीरोइन के साथ जब फ़ोटो निकालने लगा मेरा असिस्टेंट सुनील यादव, तो वो बार बार इधर देख रहा है ऐसे करके, फिर उधर देख रहा है, तो मैंने कहा भाई पागल हो गया क्या, इतना देर में तो शॉट ले लिया होता। तो जब उसने फ़ोटो निकाला तो मैंने अपना मतलब मोबाइल लिया, और जब मैंने देखा कि ऐसा क्यों कर रहा था, तो देखा कि उसमें फ़ोटो है साफ साफ, एक लड़की का यहाँ चोट लगा हुआ और ऐसे देख रही है। तो उससे जब मैंने पूछा तो उसने बोला कि सर मुझे लग रहा था कि कोई पब्लिक वहाँ कोई खड़ा है, और मैं उसको बार बार काटने की कोशिश कर रहा था और मुझे सामने नहीं दिख रही थी, मोबाइल में दिख रही थी, और उसी वक्त मैंने और हमारा खाना वहाँ रखा था, तब तक लड़का बोलता है कि सर खाने के पास से कोई भागा है। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग तो सही है, सामने कुर्सी पर खाना रखा है, लेकिन जब हम पैकअप करके वहाँ से निकले और जब वहाँ होटल में जाके खाना खोला तो खाना पूरी तरह से एकदम बास मार रहा था, सड़ चुका था। तो होटल में जो मेरे पास आती थी वो कौन थी? वो तो आपके प्यार में आती थी सर, वहीं की थी। अरे नहीं भाई, हमको शंका हो गया, अब हमको पता करना है जो मोबाइल देखे गई थी वो सही है कि नहीं। मतलब आप भूत का प्रेम, मतलब भूत ही प्रेम क्या? हम आज तक फोन नहीं किए, अब आज फोन करेंगे। उतने है कि सही है कि भूत है? अभी फिल्म रिलीज हुई, आपकी राजा जानी क्या कहेंगे इस बारे में? सर राजा जानी अपने आप में एक अच्छी फिल्म है, और ऐसे भी लाल बाबू पंडित जी और सुरेंद्र प्रसाद जी जो फिल्में बनाते हैं वो लोग, वो काबिले तारीफ है। उसके पहले भी जिला चंपारण उन लोगों ने बनाया था, और ये राजा जानी जो है ये भी बहुत अच्छी फिल्म है और बढ़िया चल भी रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं, मैं तो खुद काम किया हूँ उसमें, खेसारी जी की फिल्म है, प्रीति उसमें काम किए, दशमिता जी काम किए, देव जी ने काम किया है, संजय महानंद जी ने काम किया है, और सारे लोगों ने काम किया है, और संजोग से मैंने भी काम किया है। तो ये आशीर्वाद है, सबों का आशीर्वाद है, मैं चाहूँगा कि आप सबों का निरंतर आशीर्वाद मिलते रहे, और हमारे सुरेंद्र भैया और लाल बाबू भैया वगैरह बराबर फिल्में बनाते रहें और हम काम करते रहें। अच्छी फिल्म जो है दिया जा चुका है उसमें, और हम ये कहेंगे कि
वैसी फिल्में कभी कभी बनती हैं, अच्छी फिल्में। आनंद जी बात करें, जैसे कि खेसारी जी फिल्म के प्रमोशन में है और पहली बार किसी भोजपुरी फिल्म का 40 से 45 गाड़ियों के काफिला के साथ प्रमोशन किया जा रहा है। देखिए ये तो अच्छी बात है, ये गाड़ियाँ मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है ये गाड़ियाँ बुक नहीं की गई होंगी, वो उनके चाहने वाले होंगे, ये सब चाहने वाले होंगे, क्योंकि एक स्टार जब चलता है ना, और खेसारी भाई हमारे स्टार हैं, तो जब एक स्टार चलता है और साथ में हीरोइन और ये काफिला चलता है ना, तो उस वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि जितना भी समय हो कम से कम हम उनके साथ बिता लें। तो बहुत सारे अपने लोगों की गाड़ियाँ होंगी, उनकी गाड़ियाँ होंगी, तो इस तरह की गाड़ियाँ बुक करके थोड़ी 40, तो जब 40 गाड़ियों से अगर प्रमोशन हो जाता तो बहुत सारे लोग हमारे में हैं कि 300 गाड़ियाँ ले जाने लगेंगे फिल्म को चलाने के लिए, तो गाड़ियों से फिल्म थोड़ी चलता है, वो सब चाहने वाले हैं हमारे। के बारे में हम कहेंगे कि ये गाड़ियाँ 60 हो जाएँ, 100 हो जाएँ, 200 हो जाएँ, जब हमारे स्टार्स जब अपने क्षेत्र में निकलें तो काफिला इतना बड़ा हो जाए कि इससे ये प्रतीत होता है कि उनका कितना प्यार है हमारे साथ, स्नेह है। वो काफिला वो गाड़ी नहीं है, वो प्यार है, वो जितना बड़ा हो जाए उतना प्यार समझिए। सुनने में आया था कि खेसारी है। कौन खेसारी? किसको? हमको ये कौन शूटिंग था? शूटिंग पता नहीं, मुझे पता नहीं, हो सकता है नींद वगैरह उसे भूत आया था ना उसमें, तो हो सकता है उस समय हम बेहोश वेहोश हो गए होंगे। खेसारी लाल और आपसे जुड़ी कुछ बातें बताइए जो शूटिंग में घटी राजा जाने की। हम लोग खेसारी जी और मैं स्पेशली, हम लोग जब काम करते हैं और जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि एक तो एक ही विधा से हम लोग हैं, चूँकि हम लोग गाना से ही आए हैं फिल्मों में, तो सुर का मामला छिड़ा रहता है। दूसरा कि हम लोग एक क्षेत्र के हैं, महज 10 किलोमीटर के अंतर के हम लोग हैं, हम और खेसारी जी, तो भाषा भाषी भी हैं, एक क्षेत्र के हैं और एक सोच है हमारी, है ना, तो स्नेह प्यार मिलता रहता है। और खेसारी जी ऐसे भी अच्छे आदमी हैं, बहुत नीचे से डाउन टू अर्थ आज भी हैं, पहले भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। किस फिल्म के? नहीं नहीं, स्वाभाविक है, कैसे लेकर आएंगे? अभी फिल्म में प्रमोशन चल रहा है, आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? हम दर्शकों से ये कहेंगे राजा जानी के लिए कि आप अपना निरंतर अधिक से अधिक प्यार दें, जिससे कि आगे और अच्छी फिल्में बनाने का जो है हौसला हमारे प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को मिलता रहे कि और अच्छी फिल्में दे सकें। हम यही कहेंगे। हमारी जो फिल्म की निर्मात्री हैं रीना सिंह जी, जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने एक रेणुकूट जैसे शहर में जो फिल्मी दुनिया से एकदम अनजान है, तो मैंने उनके अंदर एक जज्बा देखा कि अनाथ लड़की के ऊपर मुझे एक फिल्म बनानी है तो बनानी है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और वो पूरी तरह से मतलब इसमें सक्षम उतरी और कभी उन्होंने परेशानी नहीं होने दिया। नहीं, रीना जी के बारे में मैं भी तो मिला हूँ, शुक्ला जी हैं हमारे, और शुक्ला जी हैं, रीना जी हैं, और एक प्रोड्यूसर और आए थे लाल शरण उपाध्याय जी। हाँ, उपाध्याय जी लाल शरण, हाँ, तो वो बड़े अच्छे लोग हैं। और देखिए रेणुकूट जैसे जगह पे फिल्म का निर्माण करना अपने आप में वही अलग चीज़ है, क्योंकि वहाँ शायद आज तक कोई फिल्म नहीं बनी थी ना, और वहाँ शूटिंग करके बड़ा अच्छा, और लोकेशंस भी बड़े अच्छे हैं। उपाध्याय जी का बड़ा आशीर्वाद रहा है। हाँ, उपाध्याय जी का बहुत है सर। गीत संगीत पर कितना ध्यान दिया? सर गीत संगीत पे मैंने एक तरह से पूरा ध्यान दिया है, एकदम वर्गल गाने नहीं रखे हैं, गाने जो भी है साफ़ सुथरे हैं, और पिक्चराइजेशन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई साफ़ सुथरा ये, लेकिन होता नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने टोटली साफ़ सुथरा रखा, मेरा आइटम सॉन्ग भी साफ़ सुथरा है। संगीत दिया है मोनू श्रीवास्तव, लारे बावला दो आदमी ने, और गाया है बबलू करेंट, और ये खुशबूराज जी ने, खुशबूराज जी ने भी गाया। बबलू करेंट जी भी अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और अच्छे कलाकार हैं, उनके गाने बड़े अच्छे। बाबा अभी एक मामला गर्म है, कोई रिश्ता जुड़वा रहे हैं, बताएं क्या मामला है? भाई मैं रिश्ता जुड़वा नहीं रहा था, वो कि कोई पूछे थे मेरे से कि ऐसा हो रहा है क्या, मैंने सुना है, तो हमने कहा कि भाई मैंने तो सुना नहीं है, लेकिन अगर ये कार्य होता है तो ये अच्छा है, इसमें गलत क्या है? अगर मान लीजिए अवधेश जी का जो चैंप है
और काजल जी की जो पप्पी है, हैं, वो दोनों का अगर रिश्ता जुड़ता है तो उसमें दिक्कत क्या है। और भीड़ से अलग चलने का ऐसे भी हमारा आदत है, आज तक तो मैं शुरू से भीड़ से अलग ही रहा हूँ, तो इसमें भी अच्छा काम करूँ। अगर साथी होती तो क्या बराती बनेंगे या फिर घर आती? वो तो अवधेश जी पे डिपेंड करता है। हम काहे के लिए अगुवाई करें, हमको चप्पल खाना है, अगुवाई करेंगे है? हमको तो पहले आंटी ये मार के मुआ देंगे, तुम कैसे आ गया इधर। तिलक में अवधेश जी से बात करना पड़ेगा, क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।